गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस सेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। लास्ट सेशन में हमने साइमल्टेनियस हीट ट्रांसफर एक टॉपिक तो लिखा था, पर उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं था। जस्ट हमने रेडिएशन हीट ट्रांसफर पे एक न्यूमेरिकल लिया था और रेडिएशन हीट ट्रांसफर के बारे में थोड़ा सा ग्लिम्प्स लिया था। सो आज हम साइमल्टेनियस हीट ट्रांसफर पढ़ने वाले हैं। साइमल्टेनियस हीट ट्रांसफर का मतलब ये है कि कोई सरफेस है, उससे दो साइमल्टेनियसली रेडिएशन से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, कन्वेक्शन से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। मतलब दो मोड से हीट ट्रांसफर हो सकता है साइमल्टेनियसली, या तो रेडिएशन प्लस कंडक्शन या फिर रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन, यही दो मोड से हीट ट्रांसफर हो सकता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तीन मोड एक साथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि कन्वेक्शन और कंडक्शन जो होते हैं वो एक साथ कभी अकर नहीं कर सकते, या तो कन्वेक्शन ही होगा या कंडक्शन ही होगा। ठीक है, सो हम देख लेते हैं, हमारे पास तीन तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, तीन तरीके के केसेस हो सकते हैं। पहला देखते हैं, हमारे पास एक ओपेक सॉलिड है। ओपेक सॉलिड का मतलब ये है कि यहाँ से अगर आप जैसे ओपेक, अगर हम लाइट की बात करें, लाइट के लिए ओपेक कैसा होता था कि अगर आप यहाँ से लाइट पास कराओगे तो यहाँ तक लाइट कभी पहुंचेगी नहीं। तो ये हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर में ओपेकनेस का मतलब होता है ओपेक। ओपेक जब हम वर्ड यूज करते हैं वो किसके लिए, किस हीट ट्रांसफर के टर्म में करते हैं, रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए करते हैं, रिस्पेक्ट में रेडिएशन हीट ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में हम ओपेक वर्ड यूज करते हैं। ओपेक सॉलिड इसको इसलिए बोलते हैं, या फिर ओपेक सॉलिड में आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो रेडिएशन है वो इस एंड से इस एंड तक कभी पहुंच नहीं सकती, और या फिर इस एंड से इस एंड तक कभी पहुंच नहीं सकती। ठीक है, तो ओपेक सॉलिड्स में ये चीज ध्यान रखना है हमको। सो ओपेक सॉलिड, अब सॉलिड में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि जो कंडक्शन होता है सॉलिड्स में, केवल कंडक्शन ही होता है, कन्वेक्शन कभी हो नहीं सकता। सो जो हीट ट्रांसफर होगा, यहाँ से T1 इज ग्रेटर देन T2। सो जो हीट ट्रांसफर होने वाला है यहाँ से, वो केवल और केवल किसकी वजह से होगा, कंडक्शन की वजह से होगा, कंडक्शन। यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होने वाला है कंडक्शन की वजह से होगा, रेडिएशन यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि इस सरफेस से जो रेडिएशन निकलेगी वो रेडिएशन यहाँ कहीं बीच में ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये क्योंकि जो सॉलिड है हमारे पास ये ओपेक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास दो सर्फेसेज है T1 एंड T2। अब इनके बीच में एक गैस है, अब या तो अब अगर एक गैस है, मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि रेडिएशन से हीट ट्रांसफर जब होता है, तो ओपेक सॉलिड में तो रेडिएशन कभी हो नहीं सकता। मैंने ये बताया था आपको कि अगर रेडिएशन से हीट ट्रांसफर करना है हम लोगों को दो सर्फेसेस के बीच में, सो या तो यहाँ पर वैक्यूम होगा तो रेडिएशन में कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं होगी, रेडिएशन हीट ट्रांसफर में कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं होगी। सो यहाँ पर एक गैस है, अब इस पहले गैस को देख लेते हैं। अगर ये वाली सरफेस T1 और T2 है, तो इस गैस यहाँ वाली सरफेस से हीट किस तरीके से लेकर जा सकती है, या तो कंडक्शन से लेकर जा सकती है या कन्वेक्शन से लेकर जा सकती है। अगर कंडक्शन से लेकर जा रही है, कंडक्शन कब होगा, जब गैस के अंदर बल्क फ्लूइड मोशन नहीं होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे यहां से हीट ट्रांसफर कर रहे होंगे, मतलब डिफ्यूजन भी हो रहा होगा पर हम बल्क फ्लूइड मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर यहां पे बल्क फ्लूइड मोशन हो रहा होगा तो ये कन्वेक्शन हो जाएगा। तो या तो कंडक्शन होगा या कन्वेक्शन होगा, दो ही केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को देखना है कि कंडक्शन या कन्वेक्शन में से कौन सा हो रहा है, या तो कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन। अब इस वाली सरफेस से इस वाली सरफेस तक हीट ट्रांसफर एक और मोड से हो सकती है, जिसको हम रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन से हीट ट्रांसफर T1 इज ग्रेटर देन T2, सो नेट हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, ये जो गैस है, मैंने कल भी बताया, मतलब लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, ये जो गैस है ये थोड़ा बहुत हिंड्रेंस इस रेडिएशन में, जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर होने वाला है इस सरफेस से इस सरफेस तक, थोड़ा बहुत हिंड्रेंस पैदा कर सकती है, थोड़ा बहुत। पर जनरली जो देखा जाता है, जो गैसेज होती हैं उनसे जो हिंड्रेंस पैदा होता है रेडिएशन में, वो नेग्लिजिबल होता है
नेग्लिजिबल होता है, तो हम इसको एज्यूम भी कर सकते हैं कि ये वैक्यूम है। मैंने रेडिएशन के क्वेश्चन कराते हुए आप लोगों को बोला था कि अगर उनके बीच में दो सर्फेसेस के बीच में अगर एक गैस है तो हम उस गैस को एज अ वैक्यूम भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो गैस है हमारी ये रेडिएशन हीट ट्रांसफर में हिंड्रेंस पैदा नहीं करती है। थोड़ा बहुत जो हिंड्रेंस पैदा हो रहा है वो थोड़ा बहुत इसमें हिंड्रेंस पैदा होता है, बट हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हमारे रेडिएशन हीट ट्रांसफर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता है, कैलकुलेशन में कुछ फर्क नहीं आएगा। सो अगर हमारे पास एक गैस है तो एक तो कंडक्शन और कन्वेक्शन तो होना ही है, या तो कंडक्शन होगा या कन्वेक्शन होगा, और रेडिएशन तो होना ही होना है, रेडिएशन होगा, रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होगा। केवल और केवल आपको ये बात ध्यान रखनी है, रेडिएशन से हीट ट्रांसफर ओपेक सॉलिड में कभी नहीं हो सकता। इस सरफेस से इस सरफेस तक रेडिएशन से हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ओपेक सॉलिड में रेडिएशन नहीं होगा, ओनली कंडक्शन। इफ देयर इज अ गैस बिटवीन टू सर्फेसेस, इधर कंडक्शन और कन्वेक्शन विल हैपन एंड रेडिएशन विल ऑलवेज टेक प्लेस। अब लास्ट केस हमारे पास है वैक्यूम। वैक्यूम है दो सर्फेसेस के बीच में, T1 एंड T2 ये दो सर्फेसेस है, इन दोनों के बीच में वैक्यूम है हमारे पास। अब जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम में कोई हमारे पास, वैक्यूम का मतलब है तो कोई मीडियम नहीं है। अब कंडक्शन एंड कन्वेक्शन इन दोनों के लिए हमें मीडियम की जरूरत होती है, ये दोनों के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, इनके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है कंडक्शन या कन्वेक्शन के लिए। तो यहां पर नो कंडक्शन नो कन्वेक्शन, तो यहां इस पर्टिकुलर केस में ना तो कंडक्शन होगा ना कन्वेक्शन होगा, केवल और केवल हीट ट्रांसफर किससे होने वाली है, रेडिएशन से, ठीक है। तो जब वैक्यूम होगा तो केवल रेडिएशन, जब ओपेक सॉलिड होगा तो केवल कंडक्शन, और अगर बीच में या तो गैस है या फिर लिक्विड है, गैस और लिक्विड दोनों हो सकते हैं। अगर गैस, हाँ एक चीज याद रखना है हमको, जो लिक्विड होते हैं वो रेडिएशन में हिंड्रेंस पैदा करते हैं, ठीक है। उस केस में भी रेडिएशन या फिर कंडक्शन या कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होगा, बट वो रेडिएशन में हिंड्रेंस पैदा करता है। हम जो जनरली केसेस देखने वाले हैं वो हमारे पास दो सर्फेसेस के बीच में केवल गैस होगी, लिक्विड वाला केस हम नहीं पढ़ने वाले, हमारे पास इस कोर्स में लिक्विड वाला केस नहीं है, ठीक है। तो जो गैस है इस पर्टिकुलर केस में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है दो मोड से, रेडिएशन एंड कंडक्शन और कन्वेक्शन, ठीक है। सो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और हाँ, सो इस पर्टिकुलर केस में जो आप हीट ट्रांसफर देखोगे तो क्यू टोटल किससे होगा, क्यू रेडिएशन प्लस क्यू कन्वेक्शन और कंडक्शन, तो यहां पर टोटल हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो ये वाले केस, इस वाले केस में सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वाले केस में रेडिएशन के साथ साथ कन्वेक्शन या फिर कंडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कंसिडर अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ रूम, इन अ ब्रीजी रूम, ब्रीजी रूम का मतलब थोड़ी बहुत हवा चल रही है, ठीक है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रीजी उसने बोल दिया है, इसका मतलब ये है कि थोड़ी, जब ब्रीज चल रही होती है तो बल्क फ्लूड मोशन होता है, तो आपको कन्वेक्शन ही कंसिडर करना है, ठीक है। इसका मतलब ये, कन्वेक्शन का मतलब ही यही होता है, बल्क फ्लूड मोशन, कन्वेक्शन का मतलब भी बल्क फ्लूड मोशन होता है। ये फ्लूड मैकेनिक्स में भी, इस टर्म को आपने पढ़ा होगा। सो अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ रूम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द रूम इज ब्रीजी, डिटरमाइन, क्वेश्चन सीधा पूछ लिया उसने, डिटरमाइन द टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस पर्सन, टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछ रहा है ये। तो यहां से आपको पता चल रहा है, एक रेडिएशन से भी हीट ट्रांसफर होने वाला है, दूसरा कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होने वाला है। और ये फिर अब कंडीशन दे रहा है, इफ द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया एंड द एवरेज आउटर सरफेस टेम्परेचर, एवरेज आउटर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द पर्सन आर, एरिया इज 1.6 मीटर स्क्वायर एंड द आउटर सरफेस टेम्परेचर इज 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली, एंड the convective heat transfer coefficient between the surface of this man, this person and the surrounding air is 6 watt per meter square degree centigrade. अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, टोटल हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर दो मोड से होने वाली है, पर फिर भी देख लेते हैं एक और बार।
कि जनरली इन केसेस में देखा क्या जाता है, इन केसेस में देखा क्या जाता है कि अगर आपके इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द जो एयर है, अगर ब्रीज ना भी चल रही हो, ब्रीज ना भी चल रही हो, तो जनरली ये इसको कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर मानते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी से जब एयर के मॉलिक्यूल्स हीट लेकर जाएंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स हीट लेकर जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर उठेंगे और एक कन्वेक्शन करंट पैदा होगा। ठीक है, कन्वेक्शन करंट पैदा होगा, ये मॉलिक्यूल्स हीट लेके जाएंगे, फिर जो कोल्डर मॉलिक्यूल होंगे वो नीचे आएंगे, फिर इस तरीके से कन्वेक्शन करंट पैदा होगा। सो जनरली इसको कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर मानते हैं। अगर उसने क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया है कि देर इज नो बल्क फ्लूइड मोशन, देन यू विल कंसिडर कंडक्शन। ठीक है, और अगर कंडक्शन आपको कंसिडर करना है, कंडक्शन कंसिडर करना है, तो क्वेश्चन में आपको थर्मल कंडक्टिविटी भी देगा। इस क्वेश्चन में उसने आपको कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिया है, तो यहाँ पर कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, वरना वो एयर की थर्मल कंडक्टिविटी देता हमको। एक क्वेश्चन और है, उसमें हम देखेंगे कंडक्शन से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो इस क्वेश्चन में आप देखते हैं, हमको फाइंड क्या करना है, टोटल हीट ट्रांसफर। टोटल हीट ट्रांसफर के लिए पहले हमें कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है, फिर रेडिएशन से फिर इन दोनों का समेशन कर देंगे। ठीक है, सो अब देखते हैं, हमारे पास ये पर्सन रूम के अंदर खड़ा है, इसका सरफेस का टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सरफेस एरिया इज 1.6 मीटर स्क्वायर एंड द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, सॉरी हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन। सो वी नो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू एच ए एस इंटू डेल्टा टी। H we have given, they have given 6 and the surface area is 1.6 and delta T 29 minus this is 20, okay, 29 minus 20. So after calculating this, will the convective heat transfer comes as 86.4 watt. अब इसके बाद हम लोगों को find करना है रेडिएशन हीट ट्रांसफर। रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए इसमें, इस क्वेश्चन में इसने रेडिएशन की, इस पर्सन की सरफेस से और जो वॉल्स और रूफ है, वॉल्स रूफ एंड फ्लोर, इनके बीच में रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होने वाला है। सो इसने क्वेश्चन में इनका तो टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, तो अगर इनका टेम्परेचर इसने मेंशन नहीं किया है तो हम अज्यूम करेंगे कि जो टेम्परेचर एयर का है वही टेम्परेचर इन वॉल्स और सरफेसेस का होने वाला है, रूम की जो सरफेस है। तो इनको भी हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड अज्यूम कर लेंगे और क्वेश्चन में, मतलब हमारे सॉल्यूशन में हम बोलेंगे कि वी आर अज्यूमिंग दिस टेम्परेचर एज द टेम्परेचर ऑफ एयर। सो ये जरूरी नहीं है कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, पर हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड एज्यूम कर रहे हैं। अब रिलेशन से हीट ट्रांसफर फाइंड करना है, हमने वही रिलेशन हमारे पास है जब मैंने आप लोगों को बताया था कि एक छोटा ऑब्जेक्ट होता है और उसको किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट ने सराउंड किया होता है या फिर बड़ी सरफेस ने सराउंड किया होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होने वाला है इस सरफेस से, छोटी सरफेस से बड़ी सरफेस के बीच में, वो किसके बराबर होगा, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया किसका है, छोटी वाली सरफेस का, टी एस इज द स्मॉलर सरफेस। सो एप्सिलॉन भी इसी सरफेस का होने वाला है, और लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें एप्सिलॉन हमको गिवन था 0.95। हमारी जो बॉडी होती है उसका जो एमिसिविटी होता है वो अराउंड 0.95 होती है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, हम उनको यूज करके, गिवन वैल्यूज को यूज करके रेडिएशन से हीट ट्रांसफर फाइंड करने वाले हैं। सो क्यू रेडिएशन इज इक्वल टू 0.95 इंटू सिग्मा इज 5.67 इंटू 10^-8, सरफेस एरिया इज 1.6, टी सरफेस 29 प्लस 273 302 माइनस 273 प्लस 20 टू दी पावर 4।
अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 81.7 वॉट, 81.7 वॉट। तो ये जो केस दिख रहा है यहाँ पर हमको ये नजर आ रहा है कि कन्वेक्शन से जो हीट ट्रांसफर है वो रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। सो कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर आपको रेडिएशन से ज्यादा दिखेगा, बट जनरली रेडिएशन से होने वाला हीट ट्रांसफर जो है वो ज्यादा होता है बशर्ते कन्वेक्शन रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कन्वेक्शन और कंडक्शन से काफी ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको ये देखने को मिले कि रेडिएशन से हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन से कम हो रहा है, बट जनरली रेडिएशन से हीट ट्रांसफर डोमिनेट करता है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, कुछ केसेस एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपको एक्सेप्शन दिख गया। फिर इसके बाद हम क्यू टोटल फाइंड करने वाले हैं। क्यू टोटल इज इक्वल टू क्यू कन्वेक्शन प्लस क्यू रेडिएशन, इनका जब सम करोगे तो कितना आने वाला है, 86.4 प्लस 81.7। सो इसको आप लोग कैलकुलेट करना, ऐड कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेगा, उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे साइमल्टेनियस हीट ट्रांसफर का। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।